So tell me, what do you think about this? Great, just superb. तुमने जिस तरह इंडियन मार्केट एक्सप्लेन किया है ना, इट्स जस्ट ब्रिलियंट. अंकिता, आई हैव अ गट फीलिंग तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत मजा आएगा. मुझे भी परी. एक बात बताइए, आपको भूख लगी है ना? तुम्हें कैसे पता चला? एक्चुअली मैं ना चेहरा देख के बता सकती हूँ. पता है क्यों? क्योंकि ना मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, और जब भी उन्हें भूख लगती है ना, उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल आपके चेहरे की तरह होते हैं. ग्रेट डैड, तुम तो इन मामलों में भी एक्सपर्ट हो, बिल्कुल मेरी आजे की तरह. हाँ, वैसे मुझे भूख तो लगी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एंशियस थी, इसलिए मैं सुबह ब्रेकफास्ट खाना भूल गई. आपको पता है परी, मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ऐसे हैं. मतलब अगर वो काम में घुस जाते हैं ना, तो वो इतना काम करते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता उन्हें खाना है पीना. आई थिंक सारे बिजनेस पीपल ऐसे ही होते होंगे. आई एम श्योर. तुम भी तो बिजनेस वूमन हो. नहीं, मैं कोई बिजनेस वूमन नहीं हूँ. एक्चुअली परी, मैं बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से. मैं एक चौल में पली बड़ी, वही बड़ी हुई, वही पढ़ाई की. फिर मेरी शादी नरेन सर से हो गई, और नरेन सर ने अपनी दो दो कंपनीज मेरे नाम कर दी, और उसकी वजह से मुझे प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ा. वरना मैं इन सारी चीज़ों में कभी नहीं घुसती. लेकिन नरेन सर, वो कहते हैं मुझे तुम पे बहुत विश्वास है कि तुम ये सब कुछ कर लोगी, एंड यू नो दिस इज द रीजन मैं यहाँ पर हूँ. अंकिता, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग, लेकिन तुम में ना एक स्पार्क है जो तुम्हारे पति ने देखी है, और वही स्पार्क आज मैं देख रही हूँ. पिछले दो घंटे से जैसे तुमने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया इंडियन मार्केट के बारे में, इट्स जस्ट ब्रिलियंट. एंड आई एम श्योर ये ब्रिलियंस तुम्हारे पति ने नोटिस किया है, तभी तो उन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. एंड नॉट ओनली दैट, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो. तुमसे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ, यू नो, समवन आई कैन ट्रस्ट. तभी तो मैंने इतनी जल्दी हाँ कह दिया इस पार्टनरशिप के लिए. बस अब आप मेरी कितनी तारीफ करेंगे, मुझे अपने आप पे. आपने तुम, मैं तुमसे तुम करके बात कर रही हूँ, तुम भी तुम बोलो. ओके परी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है मेरी तारीफ बहुत हो गई है ना. अब भूख लगी है, हमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए. राइट, एक्सक्यूज मी. जी मैम. चीज गार्लिक, हमारी पसंद कितनी जैसी है ना. चीज गार्लिक ब्रेड. ओके मैम, थैंक यू सो मच. हाँ, लेकिन पहले मैं पिज्जा प्रेफर करती थी. सुबह शाम मैं सिर्फ पिज्जा ही खाती थी. इनफैक्ट पिज्जा तो मैं बनाती भी थी. तो तुम्हें पिज्जा इतना अच्छा लगता है, तो तुम ऑर्डर क्यों नहीं करती? यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है. अब मेरा टेस्ट बदल चुका है, अब मैं पिज्जा नहीं गार्लिक ब्रेड प्रेफर करती हूँ. नरेंद्र को भी पिज्जा बहुत पसंद है, वो तो कभी भी पिज्जा खा सकते. आगे. थैंक यू. खाओ. थैंक यू. परी, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मेरी बातों से तुम्हें शायद अपने पास्ट जो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन उसका दर्द तुम्हारी आंखों में अभी भी दिखता है. आई डोंट नो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ परी. मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हर तकलीफ का कोई ना कोई एंड जरूर होता है, और तुम देखना एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी लाइफ में जहाँ तुम बहुत खुश होगी. एंड देन यू विल रियलाइज कि मैं इतनी सी बात के लिए इतना उदास रहा करती थी, क्योंकि बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही, और तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा. एंड आई रियली विश कि जैसे मेरे हस्बैंड है, वैसे ही तुम्हें भी कोई एक ऐसा मिले जो तुमसे बहुत प्यार करे. सच कहूं परी, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा कि मुझे एक ऐसा हस्बैंड मिलेगा जो मुझसे बहुत प्यार करे. तुम्हें पता है, नरेन सर मेरी लाइफ में एक एंजल है. मैं कभी भी उदास होती हूँ और मुझे हंसा देते हैं, मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे लाके देते, लेकिन वो मुझे कभी उदास नहीं होने देते. एंड आई रियली विश कि तुम्हें ऐसा कोई मिले जो तुम्हें बहुत खुश रखे. और मिलेगा, आई एम श्योर. आई मस्ट से तुम दोनों का प्यार बहुत गहरा है,
तुम जब भी अपने पति के बारे में बात करती हो तुम्हारा चेहरा एकदम खिल उठता है, एक अलग ही ग्लो आता है तुम्हारे फेस पे। पता है क्यों परी? क्योंकि मैं नरेंद्र से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी किसी से इतना ज्यादा प्यार कर सकूंगी कि उनके बिना अब रहना ही मुश्किल है। नरेंद्र ने मेरी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल दिया, मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, तुम बहुत लकी हो। एंड आई रियली रियली होप कि तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। ओके नाउ हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं और मुझे ऐसा लगता है हमारे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए। परी क्या हम ये डिस्कशन कल कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे ना मेरी बहन के घर जाना है, उसकी अभी भी शादी हुई है और वो अभी शिफ्ट हुई है नए घर में, तो आज मुझे उसका घर देखने जाना है। इफ यू डोंट माइंड कैन वी डू इट? नो प्रॉब्लम। वैसे वो कहाँ रहते हैं? वो अभी थाने शिफ्ट हुई है। थाने में कहाँ? आनंद निवास रोड। आनंद निवास या रोड या समथिंग आनंद निवास। भाई तो मेरे आजूबा का घर है, चलो हम साथ में चलते हैं। मानव जी चौल में रहते हैं? वो तो चौल है क्योंकि। हाँ बहुत लंबी कहानी है, चलो रास्ते में बता दें। परी क्या हुआ, कहीं कहाँ खो गई? तुम सही कह रही थी, हमारी पसंद मिलती है। आई रियली लाइक दैट। है क्यों? थैंक यू। परी तुमने बताया नहीं कि तुम लोग कनाडा से अचानक यहाँ क्यों आ गए, और वो भी चौल में? कुछ अजीब नहीं तुम लोगों की जर्नी? एक्चुअली मेरा इंडिया आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये बिजनेस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। और बिजनेस के अलावा एक और वजह भी है, मेरे आजी आजोबा, उनको इंडिया बहुत पसंद है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के संस्कारों से वो बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं। और ये आनंद निवास चौल, यहाँ पे कई साल पहले वो दोनों यहीं रहते थे, और अब देखो ना अपनी पूरी फैमिली को लेके यहाँ शिफ्ट हो गए। तुम्हारे आजी आजोबा का इंडिया के लिए जो प्यार है ना, वो मैं बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ। वैसे अंकिता, हम दोनों का जरूर कोई कनेक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं से तो हम दोनों जरूर जुड़े हैं। अब देखो ना, मैं तुम्हें अपने आजी आजोबा से मिलवाना चाहती थी और तुम आनंद निवास जा रही हो अपने भाई बहनों से मिलने। हो सकता है कुछ ना कुछ कोइंसिडेंस जरूर है ना? कोइंसिडेंस नहीं, कनेक्शन। कनेक्शन। वैसे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ना परी, जिनसे जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते। और शायद अभी हम एक दूसरे की जिंदगी में वही काम कर रहे हैं। शायद ताई जी। ताई कैसी? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? एकदम ठीक हूँ। अंतरा कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तू कैसा है? अंकिता ताई, ये हमारा नया घर मस्त है ना? और ताई आपको पता है हमारे चौल बहुत ही बड़ी है, मैं तो साथ साथ नए दोस्त भी बन गए। वेरी गुड। अच्छा शशांक कहाँ है? शशांक ऑफिस गए। अच्छा परी तुम वहाँ क्यों खड़ी? मानसी ये है परी, परी ये है मेरी बहन मानसी। हेलो। ये है प्रशांत और ये है प्रणव और सोनू। सोनू फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में गया, अभी बस आती होगी। अच्छा बैठो। मानसी तुझे पता है कौन है? अर्जुन सर की बेटी। अर्जुन सर जो हमारे घर आए थे बहुत पहले। हाय, आप अर्चना जी की पोती हैं? आइए ना अंदर आइए। ताई अंदर प्लीज बैठ। बैठो परी। आपको पता है मैं आपके घर गई थी पर आप थे ही नहीं वहां पर।
हाँ मैं अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहती हूँ। तुझे पता है मानसी, हम लोग मैं और परी एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम दोनों पार्टनर्स हैं। वाओ, कांग्रेचुलेशन। अच्छा तुम लोग बैठो, बात करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ। प्रणव कैसे मिल लिया? चलो पढ़ाई करो, राइस का एग्जाम है, मैं उसको पढ़ाती हूँ। प्रणव अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? जा, बाय। बहुत प्यारे हैं तुम्हारे भाई बहन। तुम कभी भी अकेला महसूस करो ना, तुम यहाँ आ सकती हो, ये तुम्हारा बहुत अच्छे से एंटरटेनमेंट करेंगे। अंकिता तुम अब तक तो मुझे समझ गई होगी, मैं थोड़ा अकेला रहना पसंद करती हूँ। किसी के पास जाके फिर दूर जाना बहुत हर्ट करता है। परी तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मेरे कहने का मतलब था कि मैं इंडिया सिर्फ काम के लिए आई हूँ और काम खत्म होते ही मैं वापस चली जाऊंगी, और ये प्रोजेक्ट के चक्कर में किसी से मिलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तुम्हें मुंबई अच्छा नहीं लगा? तुम्हें अपनी फैमिली, तुम उनके साथ रहना नहीं चाहती? परी मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने हमेशा से अपने अपने माता पिता का प्यार बहुत मिस किया है लाइफ में, शायद मुझे कभी वो मिला ही नहीं। और तुम, तुम्हारे पास तो पूर्वी मैम जैसी आई है, अर्जुन सर जैसे डैड है, तो तुम कैसे उनके बिना रह सकती हो? सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो, लेकिन मैं बचपन से अपनी आई के साथ रहती थी, मेरे बाबा मेरे साथ नहीं थे। वो 20 साल पहले मेरी आई को छोड़कर, मैं उन्हें बहुत हेट करती थी, लेकिन इंडिया आने के बाद ओवी मासी से पता चला मेरे डैड इतने गलत नहीं थे, सब कुछ उनकी वजह से नहीं हुआ। एंड टुडे मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। मैं जानती हूँ, पर ऐसा होता है, और सच कहूँ मैंने अर्जुन सर के साथ वक्त बिताया है। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, हर जगह मेरे साथ खड़े रहे, वो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है हमारे बीच एक और क्या कनेक्शन है? वो तुम्हारे फादर है और मेरे गॉड फादर। हाँ जी, मैं पहुंच गई, आपके लिए एक सरप्राइज लेके आ रही मेरा भी यही रिएक्शन था। I just don't believe। अंकिता, नरेन कैसा है? नरेन सब एकदम ठीक है। और उसकी तबीयत कैसी है? अभी काफी अच्छी है। अंकिता सॉरी, वो तुम्हारी शादी के तुरंत बाद ही हम लोग कनाडा चले गए, तो तुमसे मिल ही नहीं पाए, और तुम्हें कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। नहीं अर्चना जी, ऐसा मत बोलिए प्लीज, आप नहीं जानती शायद, लेकिन आप मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। आपकी वजह से मुझे मुझे कहीं ना कहीं आई बाबा का प्यार मिला। मेरा कन्यादान आपने और मानव सर ने किया, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। ये तो आपके एहसान है मुझ पर जो धत पागल ऐसे बोलते हैं क्या? अपने कभी अपनों पर एहसान नहीं करते बेटा, वो तो जो भी करते हैं अपनी जिम्मेदारियां समझ कर करते, और वही हमने किया। अर्चना मुझे एक बात बोल, तू रिश्ते के मामले में बहुत पर्टिकुलर है, लेकिन अंकिता के बारे में तूने एक बहुत बड़ी गलती की। आई क्या गलती की है? तुझे क्या लगा हमने कन्यादान किया मतलब तेरी पूरी जिम्मेदारियां हो गई? नहीं ना। अरे दामाद का मान सम्मान करना भी कोई बात होती है कि नहीं? माना के हम कल तक कनाडा में थे, लेकिन अभी तो इंडिया में है, तो इनको खाने पे बुलाने का फर्ज पार करना है कि नहीं तुझे? आजी
इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू चुप, तू चुप। सिर्फ तुम्हें हम खाने पे बुला रहे, सारी दुनिया एक तरफ और दामाद जी एक तरफ। तुझे मालूम है वक्त आने पर दामाद जी के पैर भी धोने पड़ते हैं, तो तू एक काम कर, इनको खाने का न्योता दे। हाँ अजी वो, लेकिन आइए हम लोग एक काम करते हैं, आज अंकिता और नरेन के पूरे परिवार को यहाँ खाने पर बुलाते हैं, कैसा आइडिया है? अर्चना जी आप क्यों इतनी फॉर्मेलिटी करिए, सब कुछ ठीक है, प्लीज अंकिता कोई फॉर्मेलिटी नहीं है बेटा, ये तो रिवाज होता है, और अगर तुम्हारे घर वालों को मैं खाने पर बुलाऊंगी तो हम सबको बहुत खुशी होगी सच्ची। और हाँ तुम सब लोग भी सुन लो, आज कोई काम पर नहीं जाएगा, परी स्पेशली तू बिल्कुल काम नहीं होगा, आज नरेन और अंकिता हमारे यहाँ आ रहे खाने पे। हाँ हाँ सब घर पे रहेंगे। हाँ अंकिता फोन लगा, मैं बात करती हूँ, चल लगा। हाँ ना कैसी थी मीटिंग? नरेन सर मीटिंग बहुत अच्छी थी। नरेन सर दरअसल मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आपको वो मंदिर में जो मिले थे उस दिन वो वाली आजी आपको याद है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, डबल रोल वाली आजी, जानता हूँ ना उन्हें, क्या हुआ? एक्चुअली आपको पता है नरेन सर मैं उन्हीं के घर पर हूँ, और आज रात को उन्होंने हमें घर पे खाने पे इनवाइट किया है। तो ठीक है तो मैं भी तैयार होके आ जाता हूँ, ओके? सिर्फ हम ही नहीं है, हमारे पूरे परिवार को इनवाइट किया है। अर्चना जी एक मिनट। हेलो हेलो डबल डोर वाली आजी, अर्चना जी कैसे हो? नरेन मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मैं आपको ये कहना चाहता था कि मैं लौकी बहुत पसंद करता हूँ, तो आप खाने में प्लीज लौकी बनाएंगी? वहाँ आना वहाँ पर है ना, आप उससे पूछ लीजिए कैसे खाता हूँ मैं, उसको पता है बहुत टेस्टी बनाती है वो, आई एम श्योर आप भी टेस्टी बनाती होंगी, लेकिन आप आना से भी पूछ लेना। लौकी की सब्जी, ठीक है मैं सीख लूंगी उससे। ठीक है थैंक यू। अच्छा अर्चना जी ये अर्जुन अंकल और पूर्वी आंटी की बेटी भी है ना वहाँ पे, परी? हाँ वो भी यहाँ पर ही है, तो तुम जब आओगे ना तो तुम सबसे मिल लेना, ठीक है? श्योर ठीक है थैंक यू बाय। आ रहे हैं सब लोग, ठीक है अर्चना जी मैं चलती हूँ, मैं शाम को आती हूँ। दादा कल आपको एक फाइल दी थी ना मैंने, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी की, अगर आपने सारे डिटेल्स देखने हो तो आप मुझे दे दीजिए, मुझे ना एक बार चेक करना है। मैं वही चेक कर रहा था, एवरीथिंग इज फाइन, तू ले ले। ठीक है। सरदर्द बहनी आपके सर में दर्द है? ओहो फिर तो आज आप हमें डिनर पे नहीं ज्वाइन कर पाएंगी। नहीं बहनी आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। कैसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं पता? आज डिनर पे अंकिता के हस्बैंड मिस्टर नरेन करमरकर आ रहे हैं, उनसे मिलकर मैं क्या करूंगी? अरे बहिनी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, टेलीकॉम कंपनी के वन मैन हीरो। खैर आप तो मिल ही नहीं पाएंगी, सो इट्स ओके। अब चलिए मैं चलती हूँ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ओके बाय। आराम कीजिए, आपको आराम की बहुत जरूरत है, वैसे भी जब से यहाँ पे आई हैं आराम मिल ही नहीं पाया होगा ना, तो बाय। मैं सोच रही थी ग्रीन टी पी लेती हूँ तो थोड़ा सर दर्द ठीक हो जाएगा, है ना? करेक्ट, एक कप नहीं ले भी। सचिन तुमने बताया नहीं कि अंकिता के हस्बैंड इतने बड़े आदमी हैं। अरे मैं कैसे बताता, मुझे खुद नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है कोई तो रिश्तेदार है जो अमीर है, वैसे भी सारे चौल वाले ही हैं जो रिश्तेदारी में हैं। वैसे मैं ये सोच रही थी कि अगर इतने बड़े लोग डिनर के लिए आ रहे हैं तो डिनर कहीं 7-स्टार होटल में होगा ना, तो हमें प्रेजेंटेबल भी लगना चाहिए। मैं सोची कोई नया ड्रेस पहन लूं, है ना? अरे तू ड्रेस कौन सी भी पहन, लेकिन सुन
डिनर होटल में नहीं, घर पे ही होगा। हमारे यहाँ इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, तो उनको हम हमारे हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाएंगे। करेक्ट जी। नीचे पंडाल बांधेंगे, वहां सब डिनर की व्यवस्था होगी और अच्छी तरह डिनर हो जाएगा। काम पे लगना। आई, ये सब करने की क्या जरूरत है? हम केटरर्स को बुला लेते हैं ना। अरे तू पागल है क्या? घर में इतने बड़े मेहमान आने वाले हैं, तो उनको हम केटरर का खाना खिलाएंगे क्या? अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाने में एक अलग मजा होता है। तुझे भी काम करना है बेटा, ध्यान में रख। आई, खाना और मैं? अरे घर में बहू होते हुए सास क्यों खाना पकाएगी? लेकिन तू डर मत, यहाँ तुझे खाना सिखाने वाले दो लोग होंगे, एक मैं और दूसरी प्रिया। प्रिया कितना मराठी अच्छा खाना बनाती है ना, तू सिर्फ उसे फॉलो कर, टेंशन मत ले। अरे हाँ, तू खाने में क्या क्या बनाएगी? लेकिन आई, अरे कैसे क्या, डरती क्यों है? देख, हम तुम्हें बताएंगे क्या क्या बनाना है। जीरा राइस है, खीर, पूरी और दो तीन सब्जियां, सब तू करेगी। डर मत, हम तुम्हारा हाथ बटाएंगे, तू टेंशन मत ले।